हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे ही बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की तो भाई, ये जो नॉवल है ना, ये एक रोमांटिक नॉवल है और थोड़ी मतलब क्यूट स्वीट इनोसेंट सी लव स्टोरी है। लेकिन किस तरीके की है और क्या चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ना इसमें आप लोगों को जो फैमिली ड्रामा है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब बेसिकली एक, खैर छोड़ो, इतना डिटेल में बात करूँगी ना तभी आप लोगों को पता चल जाएगा, अभी ही बताने का ना कोई मतलब नहीं है ना। हाँ, तो क्या था कि बात कर लेते हैं हम पहले हम इस स्टोरी के बारे में। इसकी जो डिटेल्स है ना वो तो मैं अभी आप लोगों को बता दूँगी, बाकी इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे ना वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टोरी है उसका नाम है क्यूट लव। ठीक है, और जैसा क्यूट लव नाम है ना, ऐसी क्यूट क्यूट सी स्टोरी है। इसकी जो ऑथर है वो है पहल और प्रियंका। ठीक है, प्रियंका। इसकी जो रेटिंग है वो 4.3। इसके जो चैप्टर्स हैं वो है 136, जो कि मैंने पूरे रीड कर लिए हैं। ठीक है, और डेली इसके चैप्टर जो है ना वो ऐड होते हैं, तो आप अब खुद देख लेना कि भाई मेरे को इतनी अच्छी लगी कि मेरा मन करा इसको पूरा रीड कर लिया मैंने। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं आप थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ये कहानी है बेहद ही क्यूट कपल वंशी कपूर और शिवराज शेखावत की। ठीक है, जहाँ एक तरफ वंशी कपूर जो कि खूबसूरत, नटखट और समझदार और उतनी ही क्यूट भी हैं, चलो अच्छी बात है, देखो तारीफों के पुल बांध लिए लड़की के, चलो अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ है हमारे शिवराज सिंह शेखावत, जो कि शिवराज शेखावत, ठीक है, जो कि इंडिया के नंबर वन बिजनेसमैन होने के साथ साथ बेहद गुस्सैल स्वभाव के इंसान हैं। तो क्या होगा जब हालातों की वजह से इनकी शादी जो है वो हो जाएगी और किस्मत से लड़कर पत्नी बनी वंशी कपूर ने अपने जीवन में जो चीज़ों मतलब कभी भी समझौता नहीं किया, तो क्या वो इसको समझौते को एक्सेप्ट कर पाएंगी, क्या वो निभा सकेंगी शादी को, कुछ इस तरीके की जो है इसकी कहानी है। तो जी, तो ये था हमारी कहानी का इंट्रोडक्शन, जिससे आप लोगों को कुछ चीज़ें तो समझ आ गई होंगी कि हमारी लड़की जो मतलब जो हमारी लड़की कह रही हूँ हमारी हीरोइन है जो स्टोरी की, वो तो एकदम छुई मुई सी लड़की है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे हीरो जो है वो एक गुस्सैल किस्म के इंसान है। तीसरी चीज़ इन दोनों की शादी जो है वो ज़बरदस्ती नहीं कह सकते यार, देखो समझौते वाली शादी थी, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही कह सकते हैं, बट हाँ शादी हुई इनकी, बट दोनों एक तरफ से तो खुशी थी, दूसरी तरफ से नहीं भी थी। ठीक है, तो हमारे हीरो तो खुश थे हमारी हीरोइन के साथ ही, बट यार ठीक है, उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो वो एकदम से बहुत जल्दीबाजी में हुई ना सारी चीज़ें, तो उन्हें भी समझने का मौका ही नहीं मिला। ठीक है, ओके, तो ये तीन चीज़ें जो थी आप लोगों को इंट्रोडक्शन से क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और हम स्टोरी के बारे में। तो देखो, सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि हमारे हीरो हीरोइन के जो पेरेंट्स हैं उनकी ये आखिरी इच्छा थी कि हमारी बेटी की जो शादी है वो इनसे हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने अपने सामने अपनी बेटी की शादी जो है वो करवा दी, मतलब प्रॉपर तरीके से शादी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उनके सामने जो है हमारे हीरो ने हमारे हीरोइन की मांग भर दी थी, तो वो उनकी वाइफ कहलाई। ठीक है, ऐसे कहानी हुई। ठीक है, अब थोड़ा सा हम फैमिलीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जो हमारे हीरो के पेरेंट्स हैं और जो हमारे हीरोइन के पेरेंट्स हैं वो दोस्त हैं। ठीक है, वो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं ना, मतलब फैमिली वाले दोस्त, तो ऐसा है कि वो दोस्त तीन फैमिलीज़ हैं ये, जो कि इनका जो दोस्ताना है वो चलता आ रहा है। ठीक है, और हमारी हीरोइन की फैमिली में और कौन कौन है, तो देखो उनके चाचा ताऊ भी हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी वाला सीन था और इसी वजह से जो है उनके पेरेंट्स की जो है वो डेथ हुई। ठीक है, उनके चाचा, खुद सोचो उनके चाचा ताऊ जो है उन्होंने ये मर्डर जो है वो प्लान किया, और इन सब की वजह से अचानक से हमारी हीरोइन की जो हस्ती खेलती ज़िंदगी थी वो अचानक से तबाह हो गई। ठीक है, और वो तो शुक्र है कि भाई उनके पेरेंट्स ने एंड टाइम पे एक डिसीजन ले लिया कि भाई उन्हें पता था कि हम अब नहीं रहेंगे, तो वो लोग आके जो है इन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करेंगे और फिर प्रॉपर्टी वाला सीन जो है वो बैठेगा, तो इसलिए उन्होंने उनकी शादी जो है वो हमारे हीरो से करवा दी। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये थी कि देखो यार, वो उनके वो फैमिली एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, हालांकि बचपन में ही मिले थे ये लोग आपस में, लेकिन फिर भी एक होता है ना, तो उन्होंने उनको बेटे की तरह अपने घर पे रखा और हर चीज़ के लिए परमिशन दी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी।
क्योंकि यार देखो हर चीज़ें जो है ना वो इन चीज़ों के साथ डील करके अचानक से हर कोई इंसान जो है ना वही चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और दूसरी चीज़ जब हमारी हीरोइन जैसे जो है वो लोग होंगे, मतलब बहुत क्यूट इनोसेंट जिन्हें आज तक इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, वो एक वो फैमिली वाली शील्ड के अंदर ही रही हैं और फिर अचानक से ये सब कुछ हो जाना, तो यार बहुत मुश्किल हो जाता है। स्टार्टिंग वाला जो सीन था देखो बहुत इमोशनल था, बट आगे चल के जो चीज़ें हुई धीरे धीरे उन्होंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया। अचानक से उनकी जो है वो दोस्त कम भाई उनसे उनकी मुलाकात होती है और वो उनको जो है उन चीज़ों से निकलने में मदद करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात थी यार कि ना उन्होंने जिस तरीके से उनको जो है वो प्रोटेक्ट किया। आप देखो उनके पास ना इतने सारे लोग थे उनके लिए, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ थी यार। उनके जो कॉलेज फ्रेंड्स थे और जो उनके सीनियर्स थे उनके, मतलब एक ग्रुप था, उन्होंने उनको जो है वो अपना भाई बनाया, ठीक है। और वो उन्होंने एक वो भाई वाली जो चीज़ें होती है ना वो उन्होंने भी की, जो कि यार बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत अच्छी। और देखो बहुत सारे लोग होते हैं यार, देखो इनकी शादी वादी तो हो गई लेकिन वो बचपना है ना अभी भी अंदर, तो वो चीज़ें थी। लेकिन धीरे धीरे जो है वो उन्होंने देखा इन सब चीज़ों के बारे में, जाना और माना भी, हालांकि अभी भी ना उन्होंने मतलब ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया है एक दूसरे के सामने। इनकी शादी को काफ़ी टाइम तो हो चुका है लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया है कि भाई वो एक दूसरे को जो है वो पसंद करते हैं। हमारे हीरो जो है ना वो उनको प्रॉपरली टाइम देना चाहते हैं क्योंकि अभी वो कॉलेज में ही है, ठीक है। तो इतनी क्या जल्दी है ना शादी को आगे बढ़ाने की और चीज़ों के साथ, अभी वो सेकेंड ईयर तक मतलब जो है वो पहुँच चुकी है कॉलेज के सेकेंड ईयर में। तो सोचो अचानक से भाई शादी वादी। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हमारे हीरो ने जो है वो इतना सपोर्ट किया और बहुत क्यूट स्वीट सी स्टोरी निकल के आई। और देखो जो दुश्मन है उनकी तो कोई कमी होती नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ों के साथ डील करना और उनसे निकलना वो बहुत अलग चीज़ है। लेकिन मैं तो चाहूँगी कि वो ना हमारी हीरोइन को ना एक वो चीज़ें ना सिखाएं थोड़ा सा, मतलब वो सेल्फ डिफेंस एंड ऑल ये सारी चीज़ें ना सीखनी चाहिए। लेकिन फिर भी देखो ऐसी बात नहीं है कि वो जवाब नहीं देती है, नहीं, वो टाइम आने पर बहुत अच्छा जवाब भी देती हैं और वो सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हैं। वो किस तरीके से हैं ये तो आप लोग खुद स्टोरी को रीड करोगे, आप लोगों को पता चल जाएगा उनके असली नेचर के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो उनके साथ जो है वो किस तरीके से बिहेव करती हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे भी लगता है कि ये चीज़ें ना हर इंसान के साथ होनी चाहिए, क्योंकि देखो हर इंसान जो है ना वो अलग होता है, ठीक है। तो उसके साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करो ना, कोई तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा है तो तुम उसके साथ अच्छा करो, जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है उसके साथ तुम्हें अच्छा करने की ज़रूरत है ना। कौन सा तुम्हें संत महात्मा, क्या ज़रूरत है इतने महान बनने की, है ना। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है छोड़ो। बट जो अदर कपल्स हैं, मतलब जो अदर कैरेक्टर्स हैं, वो भी मेन कैरेक्टर्स ही हैं और उनकी भी जो स्टोरीज हैं वो भी एकदम बहुत बढ़िया है। मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी यार ये स्टोरी, मैं तो कह रही हूँ आप लोग डेफिनेटली जाके ना इसको सुन, मतलब पढ़ना, आगे चल के डेफिनेटली इसकी मतलब जो ऑडियो बुक है वो भी आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो आप लोग को नॉवल से काम चलाना पड़ेगा। बट बहुत बहुत अच्छी है, मुझे तो इतनी अच्छी लगी बस मैं क्या बताऊँ। मैंने इसको पूरा रीड कर लिया, आप लोग इससे ज़्यादा क्या ही समझोगे, इतना काफ़ी नहीं है। अच्छा टैक्स की भी बात कर लेते हैं, तो भाई देखो रोमांस, एक्शन, ड्रामा, रिवेंज और पास्ट तो नहीं हम कह सकते, हाँ थोड़ा सा कहीं कहीं पर आप लोगों को इन चीज़ों में देखने को मिलेगा। अच्छा और फ्रेंडशिप गोल, कपल गोल, ये सब कुछ भी मिलेगा। वो मैच्योरिटी मतलब अभी तो नहीं लेकिन धीरे धीरे आ रही है चीज़ों के साथ ना, एक वो फैमिली गोल, एक सपोर्ट, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को जो है इसमें मिलेगी। और हर कोई जो है स्टोरी को रीड कर सकता है, इमोशनल लोगों के लिए भी है, हर कोई रीड कर सकता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इमोशनल है लेकिन आगे चल के चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हर स्टोरी को आप लोग इमेजिनेशन तक ही रखना है और जो सीख सकते हो आप लोग उतना सीख सकते हैं, कोई एज सच इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। देख लेना अब आप लोगों को क्या करना है, बट मैं तो बोलूँगी डेफिनेटली जाके इसको रीड करना, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से जाके जो आप लोग इसे रीड कर सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरे व्यू जो है स्टोरी को लेकर पसंद आएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।